चला आ रहा है। जब संविधान बना और बाबा भीमराव अंबेडकर ने संविधान का रचयिता बने तो उस समय से भी आरक्षण का मामला चल रहा है। तो हम आरक्षण के एकदम सही हकदार हैं। हम धानुक हैं जो मूल निवासी हैं। ये बिल्कुल तौर पर आज जाति समीकरण का बात कर रही है और इसी आधार पर ही हर समाज का उन्नति हुआ तो हमारा भी समाज का उन्नति। सब लोग मिलकर बैठ कर तय करेंगे कि हमारा इस खगड़िया और बेलदौर विधानसभा का प्रत्याशी कौन होगा। जो दिखेगा वही बिकेगा। नमस्कार, आप देख रहे न्यूज़ फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। अगले कुछ ही महीनों में लोकसभा चुनाव होने को है। लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियां जोरों शोरों पर है। एक तरफ जहां बिहार में कल यानी 12 तारीख को फ्लोर टेस्ट होना है, तमाम पार्टियां अपने अपने विधायकों को एकजुट करने में लगी हुई है, इस जुगत में लगी हुई है कि एक भी विधायक छिटक कर दूसरे पाले में ना जाए, इसलिए तमाम विधायकों को एकजुट करने की कोशिश की जा रही है। अब इन सबके बीच अब जाति की भी राजनीति देखने को मिल रही है बिहार में। चूंकि बिहार में तो कहते हैं कि जाति की राजनीति घनघोर तरीके से होती है, धानुक जाति की तरफ से भी एक बड़ा बयान निकलकर सामने आया है। बता दें कि अखिल भारतीय धानुक उत्थान महासंघ के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं बलराम मंडल, उन्होंने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने बोला है कि लोकसभा चुनाव में धानुक जाति सबसे बड़ा निर्णायक रहेगा, धानुक जाति जो चाहे वो करेगा। तो देखिए बलराम मंडल क्या कुछ कह रहे हैं। दरअसल एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है और ये कार्यक्रम जो है वो खोए हुए धानुक समाज के इतिहास के जानने के लिए अखिल भारतीय धानुक उत्थान महासंघ के आह्वान पर बेलदौर महा विधानसभा जाति सम्मेलन का आयोजन करवाया गया था, जो कि ब्रह्मा उच्च विद्यालय पिपरा के मैदान में किया गया था, जिसका प्रखंड प्रमुख प्रतिनिधि चंदन सिंह ने किया था। और इन सबके बीच आपको बता दें कि बलराम मंडल जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनका क्या कुछ कहना है वो आपको सुनवाए जाते हैं। चला आ रहा है जब संविधान बना और बाबा भीमराव अम्बेडकर ने संविधान का रचयिता बने तो उस समय से भी आरक्षण का मामला चल रहा है। तो हम आरक्षण के एकदम सही हकदार है। हम धानुक है जो मूल निवासी है। ये बिल्कुल तौर पर आज जाति समीकरण का बात कर रही है और इसी आधार पर ही हर समाज का उन्नति हुआ तो हमारा भी समाज का उन्नति। सब लोग मिलकर बैठ कर तय करेंगे कि हमारा इस खगड़िया और बेलदौर विधानसभा का प्रत्याशी कौन होगा। जो दिखेगा वही बिकेगा, जो करेगा उसी को मिलेगा, जो नहीं करेगा उसको कहां मिलेगा। और निश्चित तौर पर ऐसे करनिहार, ऐसे होनहार, पीत पूत के जो चिकने पार होते हैं, निश्चित तौर पर इस बार के विधानसभा में आपको दिखेगा कि धानुक का प्रत्याशी जो धानुक का हक खा रहा है, धानुक के प्रत्याशी को हम लोग मैदान में निश्चित तौर पर उसको उतारने का संकल्प लेकर उन पर सतत प्रयास करें। राजनीतिक गतिविधि में हम कहाँ हैं, हम किस स्तर पे नापे जा रहे हैं, हम कहीं ना कहीं राजनीतिक शिकार बनते जा रहे हैं। और आज उसी को दुरुस्त करने के लिए पूरी टीम, अखिल भारतीय धानुक उत्थान महासंघ की पूरी टीम आज खगड़िया इस पिपरा हाई स्कूल के ग्राउंड में उपस्थित हुई है। और हम सारे मीडिया भाइयों को कहना चाहते हैं, आज वो समीकरण टूटा है जो समीकरण में लोग बन चुके थे, कुर्मी कहलाने में अपने आप को सम्मान और गौरव जो प्राप्त कर रहे थे, कहीं ना कहीं कुर्मी बनकर वो अपने आप को ठगा महसूस कर रहे थे इस सरकार में। और इन्होंने आज पहचान कर लिए कि हम जिस जात में जन्मे हैं वही हमारा कुल और खानदान है, हम उस जाति के प्रोधा हैं, हम उस जाति के समीकरण के लिए कुछ भी कर सकते हैं। और निश्चित तौर पर आज धानुक जाति के गुलबंदी के लिए, अपने आप को गौरव से धानुक कहलाने के लिए निश्चित तौर पर आज हम सब लोग एकत्र हुए हैं। और आज तीन मुद्दाओं को हम इस मंच के माध्यम से घोषणा करेंगे। और निश्चित तौर पर हम तो कहेंगे कि हमारे ऐसे नौजवान साथी चंदन जी और जो है प्रमुख हैं हमारे जो है जिला पार्षद रहे नवीन जी, और ऐसे हमारे अजीत सरकार जो जन प्रतिनिधि हैं, एक और मुखिया जी हैं, ऐसे शोभा जी, ऐसे जन प्रतिनिधियों का आज मेहनत रंग लाया है ये संदेश देने के लिए कि बगल में जो मुंगेर जिला और खगड़िया जिला, बेगूसराय जिला, इन तीनों जिला में जिस तरह से हम समाज के लोगों का जो उभार आया है निश्चित ही आज देखने को मिल रहा है। और एक संदेश के रूप में हम लगातार संगठन के काम कर रहे हैं ये सोचकर कि धानुक परिवार के लोगों को अग्रणी श्रेणी में अन्य समाजों की तरह उनको भी खड़ा करना है। और जो तीन प्रमुख मांगे, एक तो अमर शहीद रामफल मंडल ऐसे पुरखा हमारे रहे जो स्वतंत्रता सेनानी में अपना जान गवा दिए और उनका कहीं ना कहीं सम्मान आज तक बिहार सरकार में मिलने का काम नहीं हुआ।
तो इस मंच के माध्यम से हम ऐसे स्वतंत्रता सेनानी शहीद रामफल मंडल जी का जो प्रतिमा है, यही भागलपुर सेंट्रल जेल में उनकी फांसी हुई थी और यहाँ और पूरे 3800 जिलों में पूरे बिहार के 3800 जिलों में इनकी आदमकदम प्रतिमा जो है लगाई जाए जिला मुख्यालय में। और निश्चित तौर पर जो दूसरी मांगे इस मंच के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, जो हमारी आबादी जिस तरह से हमें छला गया और कहीं ना कहीं गुमराह करके इस राजनीतिक गणना के उपहार में जो हमें 2.13% की आबादी की जो हमें ये नॉमिनेट के रूप में जो डाला गया दिया गया बिहार सरकार के गजट में, कहीं ना कहीं हमारी हकमारी हुई। हम सचेत करना चाहते हैं सरकार के ऐसे नामुंदक ने जो जिन्होंने इस तरह का गजट पेश किया है। पूरे बिहार में कोई ऐसा विधानसभा नहीं है जहां धानुकों की आबादी 243 सीटों पर, इस धानुक परिवार की आबादी कहीं ना कहीं हर विधानसभा में करीब करीब 28,000, 30,000, 40,000 और आज इस बेलदौर विधानसभा में इसकी आबादी तो 65,000 है। वोट हमारा और राज तुम्हारा, ये प्रक्रिया अब बहुत ही चला, अब नहीं चलेगा। और निश्चित तौर पर धानुक समाज अब सजग हो गया है और इन मांगों को लेकर राजनीतिक हिस्सेदारी हमारी सुनिश्चित करें जो हमारी आबादी है। और इस आह्वान के साथ हम दो मांगों को रखें और तीसरी मांग ये कि जिस तरह से बिहार सरकार ने ऐसे परिवार के लोगों को जो संपन्न जातियां हैं उनको आरक्षण देकर आपने जो है अति पिछड़ी की श्रेणी में लाकर खड़ा कर दी, कहीं ना कहीं हमारी वहां हकमारी हुई है। और निश्चित तौर पर हाल के दिनों में जिस तरह से आपने 3-4 समाज ऐसे हैं उनको लाकर अनुसूचित जाति का जो आपने दर्जा दिया है, और इन तीन मांगों को लेकर जो तीसरी मांगे हैं वो बिहार सरकार से कि इस जाति को अनुसूचित जाति का दर्जा दी जाए, क्योंकि अन्य राज्यों में इस जाति को अनुसूचित जाति की श्रेणी में रखा गया है। और कहीं ना कहीं अगर हमारे बच्चे कम अंक लाते हैं तो भी उन नौकरियों में और राजनीतिकों में ठेकेदारियों में अच्छी प्रोन्नति पा सकेंगे, उनका भविष्य उज्जवल हो सकेगा। और हमारा ये हक है जो आज तक बिहार सरकार देने का काम नहीं किया।